देश भर में ईडी की कार्रवाई से विपक्षी नेताओं में दहशत फैली हुई है। ईडी विपक्षी पार्टियों का काला चिट्ठा खोलने में जुटी है। पिछली सरकारों के दौरान किस तरह इन नेताओं ने भ्रष्टाचार के दम पर करोड़ों रुपए की पूंजी बनाई, ईडी इसका खुलासा एक एक कर कर रही है। ईडी की कार्रवाई महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल दिल्ली तक जारी है। पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से करोड़ों रुपए का खुलासा हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की। शिवसेना सांसद संजय राउत को पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी के शिकंजे में है। ईडी की कार्रवाई से विपक्षी नेता इतने डरे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की शक्तियां कम कराना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को ही लताड़ा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का बयान आया है। सिब्बल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडी पर की गई टिप्पणी से ईडी का दुरुपयोग हो सकता है। सिब्बल का मानना है कि इसका दुरुपयोग निर्वाचित सरकारों को गिराने और भारत के संघीय ढांचे को नष्ट करने के लिए किया जाएगा। बता दें कि कपिल सिब्बल की यह टिप्पणी ईडी द्वारा मुंबई की चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद आई है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी धनशोधन में शामिल संपत्ति की कुर्की, तलाशी और जब्ती से संबंधित ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा था। कई याचिकाकर्ताओं ने ईडी की इन शक्तियों को चुनौती दी थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विपक्षी नेताओं को डर सता रहा है कि अगला नंबर किसी का भी आ सकता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।